गाजीपुर में कोरोना वायरस के संक्रमण से अब दो लोगों की मौत की खबर आ रही है। इसमें एक मरीज के बारे में हम आपको पहले ही जानकारी दे चुके हैं, इनकी टेस्ट रिपोर्ट मृत्यु के बाद पॉजिटिव आई थी। अब गाजीपुर के एक ग्रामीण इलाके के डॉक्टर की कोरोना संक्रमण से मौत की सूचना सामने आई है। जिला प्रशासन के मुताबिक ये डॉक्टर द हिंदू बारा चवर के रहने वाले थे, इलाके में ही इलाज भी करते थे। इनको शुगर हाइपरटेंशन के मरीज होने का भी दावा किया जा रहा है। कोरोना संक्रमण का पता चलने के बाद इन्हें अस्पताल में एडमिट कराया गया था। बाद में हालत बिगड़ने पर वाराणसी रेफर भी किया गया था, लेकिन इनकी जान नहीं बचाई जा सकी। आइए जानते हैं कि गाजीपुर के जिलाधिकारी ओम प्रकाश आर्य इस मामले पर क्या कह रहे हैं। देखिए, एक मौत कोरोना से अभी पुष्ट हुई है। वो कोई एक डॉक्टर थे जो किसी रूरल एरिया में बैठ करके वो लोगों का इलाज करते थे, प्राइवेट डॉक्टर थे। वो चूँकि शुगर के और हाइपरटेंशन के मरीज थे, उनको जब पता चला तब तक जैसे ही संज्ञान में हमारे आया, हम लोगों ने उनको हॉस्पिटल में ले जाके एडमिट कराया, उनकी जांच कराई और फिर उनको हमने रेफर भी कराया वाराणसी, लेकिन वहाँ पर मृत्यु हो गई। अब वो जो प्रोटोकॉल है उसके अनुसार उनके परिवार के लोगों को हम लोग जांच करा रहे हैं और ये भी देख रहे हैं कि उन्होंने किन किन का इलाज किया है, उन लोगों को भी चिन्हित करके उनका भी हम लोग टेस्ट कर रहे हैं। सर, करंडा के सिकंदरपुर गांव का एक मामला है जहां एक कोरोना पॉजिटिव मरीज का जो है कल रिपोर्ट आई, हालांकि 18 को उसकी मौत हो गई, तो इसको लेकर किस तरह के रखें। देखिए, कोरोना की रिपोर्ट अगर बाद में आई है और उनका क्रेमिशन हो गया है, तो उस क्रेमिशन में जितने भी लोग सम्मिलित थे उनका हम लोग जो है टेस्ट करा लेंगे और दिखवाएंगे कि जो है वो सारे लोग जो उनके संपर्क में थे उनकी हम लोग जांच करा लेंगे। यानी अब कोरोना प्रोटोकॉल के तहत डॉक्टरों के परिजनों की जांच तो होगी ही, उन लोगों का भी पता लगाया जाएगा जिनका इलाज डॉक्टर ने किया है। इसी तरह करंडा के सिकंदरपुर के कोरोना संक्रमित मृतक के अंतिम संस्कार में शामिल होने वालों को भी ट्रैक किया जा रहा है। हम बार बार गाजीपुर के लोगों से यही अपील कर रहे हैं कि अभी कोरोना का संकट टला नहीं है, बल्कि अनलॉक में और सावधानी बरतने की ज़रूरत है। बिना मास्क बाहर ना निकलें, सोशल डिस्टेंसिंग का पूरा पूरा पालन करें और सबसे अहम बात ये कि तबीयत खराब होने पर बिल्कुल ना छुपाएं। और गाजीपुर की ऐसी ही और भी खबरों के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को ज़रूर दबाएं।